बड़ी खूबसूरत दिखती है ना। और पानी देखिए पूरी एकदम पूरा नीला नीला है। अल्लाह इस साइड से देखिए मस्जिद कितनी खूबसूरत दिखती है ना। और कुछ इस तरह का ये मंज़र था। और ये सामने सबर वाइब है, यहाँ पे चलते हैं। रास्ता नहीं है, थोड़ा सा आगे और जाएंगे तब। ऐसे ही सब बस केबिन लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे, जुमा बखैर हो। आज मैं आया हूँ जिद्दा याट क्लब में, ठीक है। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसे पूरा दिखाने की। और इसको मैंने कभी अभी एक्सप्लोर नहीं किया। जिद्दा कॉर्निश पे है ये, और कॉर्निश तो मैंने नई कई बार दिखाई है, दो तीन वीडियो बनाई है, पर इस साइड बहुत दिन से ही ओपन हुआ है, कम से कम 1-1.5 साल हो गया, पर कभी आना नहीं हुआ। एक बार आया था पर मौसम इतना बेकार था कि हिम्मत नहीं हुई वीडियो बनाने की, क्योंकि बहुत तगड़ी गर्मी हो रही थी, पूरा पसीना पसीना हो जा रहा था, थोड़ा सा बाहर निकलता था। तो आज भी दोपहर हो गई है, तकरीबन 10:45 बज रहा है, पर ये अच्छा है कि हवा ठंडी ठंडी चल रही है, आजकल मौसम अच्छा है, तो इस वजह से आज इत्तेफाक से आया था तो बना रहा हूँ। तो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपको ये देख रहे हैं बोर्ड जिद्दा याट क्लब नादी जिद्दा, और उधर भी बोर्ड लगा है, JYC एकेडमी है वो। और मेन लोगो जो है इधर है इसका, ये सामने जिद्दा याट क्लब नादी जिद्दा लल यखूत। और इधर भी छोटा सा है वायलेट पार्क, पार्किंग सर्विस। ये जो लोग गाड़ी यहाँ पे आके लगा के उतर जाते हैं ना, यहाँ पे रहते सिक्योरिटी वाले ना, वो गाड़ी लेके जाते हैं उसकी है, केबिन यहाँ पे सिक्योरिटी वाला होता है। और ये गेट है, गेट कई और हैं उधर साइड में भी, पर ये मेन गेट है इसका शायद। और यहाँ से कुछ इस तरह का मंज़र है, देख रहे हैं माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। अच्छा, अगर अब ये टिकट प्राइस की अगर बात करें ना, तो आप जैसे ही ऑनलाइन जाएंगे ना और उस पर सर्च करेंगे ना, नाम लिखेंगे जिद्दा याट क्लब, तो जितनी बोट है सबकी प्राइस उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप प्राइस देख सकते हैं, ठीक है। तो लेके चलता हूँ आपको और अंदर में, अभी काम चालू है, कई लोग काम कर रहे हैं बाहर अंदर। इधर से ये देख रहे हैं बोट पे जाने का रास्ता है, ये टिकट लेंगे आप जाएंगे उधर से बैठने के लिए। ये सब है, कई जगह हैं, ये सब लगता है अलग अलग कंपनी की, एक ही कंपनी है ये पता नहीं मुझे, पर ठीक है। और सारी कई सारी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पर, कैफे शॉप में मिलेगा, रेस्टोरेंट मिलेगा, अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। लेफ्ट साइड में देखेंगे सब कॉफ़ी शॉप है, और बाकी आपको इधर देख ही चुके हैं। और सबसे ख़ास बात जो ये बीच बीच में पोल बना हुआ है ना, दरख्त लगा है नारियल वाला, और इसकी जो ये डिज़ाइन है गमले की ना, ये बड़ी अच्छी लगती है ना। और कई जगह है इसमें ये बोटिंग, मालूम नहीं इसकी सर्विस अलग अलग है कि सब एक ही कंपनी की है। यहाँ पे देखिए सामने, ये यहाँ से जाने के लिए एंटर करने के लिए है, मुझे लगता है सब अलग अलग है क्योंकि नाम थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि अलग अलग है। और एक चीज़ ये बताता हूँ, ये बोट ना, शिप जो है ना, बड़ी बड़ी वाली, कभी कभी ना ये जाती है, इनका ऑफ़र आता है, ये ऑफ़र देते हैं तो सीज़न सीज़न भाई, तो ये सूडान, मसर और उर्दून, मालूम नहीं किधर किधर पूरे यानी खलीज में राउंड लगा के आती है वो, 1 महीने का, 1.5 महीने का, 15-20 दिन का ऐसा पैकेज रहता है, तो उसमें ऑफ़र बहुत रहता है ज़बरदस्त। और बाकी ऐसे तो ये प्राइवेट है, छोटी छोटी चलती रहती होगी, बड़ी वाली तो इतनी जल्दी जाएगी नहीं, बहुत पैसे वाले रहेंगे वहीं बुक करेंगे। और इस वक्त देखिए 11 बजने को है, सूरज ऊपर है, धूप मुझे लग रही सामने ही है, तो थोड़ा सा बात करने मुझे परेशानी होती है बहरहाल, और खाली खाली से दिख रहा होगा, अभी कोई है नहीं। तो अमूमन अभी धूप भी हो गई है, सुबह के टाइम कुछ लोग होंगे रहते हैं, शाम के टाइम अभी आएंगे लोग, आज जुमा है। वैसे भी जिद्दा का मैंने देखा है ये निज़ाम है ना, लोग ना जुमे के रोज़ ना लोग थोड़ा लेट से निकलते हैं, यानी नाइट में जगे रहते हैं जुमेरात की रात को, तो वो सोते हैं उसके बाद निकलते हैं कम से कम 5-6 बजे, वापस फिर 12-1 बजे तक चलते ही कहानी, क्योंकि सैटरडे भी छुट्टी रहती है सरकारी, जिस वजह से लोग दिन में कम ही निकलते हैं। और ये भी देखिए गेट है,
इधर भी इस पार्ट को भी सेदान ब्राइड, अंदर जा नहीं सकते, सब ब्लॉक हैं। बस यानी जो बुक करता होगा, टिकट लेता होगा, वहीं जा सकता है। ये सब अलग अलग कंपनी, जैसा मैंने पहले बताया ना, ये जो गेट है ना, इधर इधर है, सब अलग अलग कंपनी है, पर अंदर सेट है। और ये कमिंग सून इधर दिख रहा है, ये भी लगता है क्या है कमिंग सून, यानी ये रेस्टोरेंट लगता है क्या है, मालूम नहीं क्या है, अभी फाइनल नहीं है वो। तो इस तरह से कुछ है जिद्दा याश, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आगे चलता हूँ मैं और इसके आउट साइड में भी दिखाता हूँ, दूसरी साइड में भी दिखाता हूँ। आउट साइड में सबसे पहले जाएंगे ना, शाम के टाइम बड़ा ज़बरदस्त है, छोटी छोटी केबिन बनी हुई है, कुछ लोग आते हैं खाना बेचने के लिए, अरबियन स्टाइल के फूड जो होते हैं, और मालूम नहीं कहाँ रहते होंगे। एक रोज़ मैं शाम के आया था, मगर ज़्यादा टहल नहीं सका था, क्योंकि जैसा मैंने बताया बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी इस वजह से। तो उधर उस साइड भी लेके चलता हूँ मैं, आपको दिखाऊँगा। और इस शिप में साफ़ सफाई चल रही है पूरे, कांच वेच की देखिए ये सामने। और ये स्प्रिंग रोज़ कॉफ़ी शॉप, ये शाम के टाइम ना पूरी चेयर्स बाहर निकालेंगे, बेंच बाहर निकालेंगे, ये पूरा फुल दिखेगा। अभी सब अंदर है, ये देखिए इसका काम हो रहा है, साफ़ सफाई हो रही है। अभी सब सन्नाटा है, 4-5 बजे के बाद यहीं पे आएंगे तो यहाँ पे एकदम फुल रहेगी ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या क्राउड, देख रहे हैं यहाँ इधर सफाई का काम चल रहा है। जरा इस गुरिल्ले को देखो, वो हॉलीवुड मूवी है ना, उसमें जैसा गुरिल्ला होता है ना, वही है, पर रेड कलर में है। ये गेट के बिल्कुल सामने है कि बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं, रेस्टोरेंट कैफे शॉप, अभी पूरी तरह ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये पीछे देखिए, ये भी काम हो रहा है, मुझे लगता है काफ़ी शॉप वगैरह का। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे, अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं। शाम को दिखाता अगर आपको ना, तो बहुत मज़ा आने वाली थी, पर टाइम नहीं रहती मेरे पास। अभी आया था तो सोचा दिखा देंगे, फिर मालूम नहीं बात का काम बात को रह जाता है, होता था नहीं है, इसीलिए जब भी जिस चीज़ का टाइम मिले ना, कर लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और दिखाता हूँ, एक फैसिलिटी यहाँ पे और है कि अगर इतनी राउंड आप नहीं लगा सकते, आपको घूमना है तो यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ मिलेंगी आपको किराए की, 10-20 रियाल लेते होंगे शायद, वो आपको बैठा के भी घुमा देंगे। पर इस वक्त सब खड़ी है, ये शाम को सब सर्विस में रहेंगी। ये देखिए सामने, ये गाड़ी जो है ना, छोटे छोटे रिक्शे, 4-2-6 आदमी के 4 आदमी के ना, ये सब किराए पे मिलेंगे। ये देख रहे हैं मोहम्मद सलमान का इधर उधर तस्वीर, लोगों लगा हुआ, बड़ा ज़बरदस्त है ये, अलग अलग से बनाया हुआ है इन्होंने लोखन का, ये प्लेट लगा के, पर ज़बरदस्त लगता है। सब करीब जाएंगे समझ में नहीं आएगा, मगर दूर जाएंगे तो आपको बराबर समझ में आएगा। लेकिन चलता हूँ उस शिप के पास करीब में, आपको उस पर फ्लैग भी लगा हुआ है सऊदी का। तो जैसा मैंने रेट के लिए कहा, रेट मैंने देखा भी नहीं क्योंकि मुझे तो बैठना नहीं था, इसीलिए रेट चेक नहीं किया। पर मुझे यकीन है कि आपको जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे जिद्दा याश्त क्लब की, तो आपको तमाम रेट, छोटी क्रूज़, बड़े बोट वगैरह का, सबका, शिप का, सबका रेट आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा इंटरेस्ट है जिसको आना रहेगा तो फिर वो आएगा ही, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जिसको पैसा दिया होगा। वैसे ज़्यादातर मुझे लगता है सब फ़ायदा उठाते हैं जब इसका ऑफ़र चलता है सीज़न बाय सीज़न। तो सामने देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं करीब ले चल कर, क्या नाम लिखा हुआ है, मर्सी क्रेंस जर्सी नीचे लिखा हुआ छोटे से, अभी क्लीनिंग का काम चल रहा है। और वो फ्लैग लगा हुआ है, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत दिखती है ना। और पानी देखिए पूरी एकदम पूरा नीला नीला है एकदम। आगे जाने का रास्ता नहीं है यार, और उधर ममनू भी है, उस लड़के ने बताया इंग्लिश में कि उधर नहीं जा सकते आप, बहरहाल। और ये पहले ओपन था, यहाँ से था वो केबिन वबिन जाने के लिए, पर ये अभी बंद है। देखते हैं, कोशिश करते हैं उधर से जा सकते हैं कि नहीं, वरना लगता है मुझे नहीं दिखा सकूँगा मैं। वो मस्जिद अल रहमा है उधर, वहीं पर मुझे जाना था, वो साइड देखते हैं बाहर से, अगर जा सकते जा सकते, नहीं तो निकल जाएंगे बाहर। और ये माशाल्लाह अच्छा लगती है ना घास, ये
ये पार्किंग के पास से ना रास्ता है, तो चलिए इंशाल्लाह आगे देखने को मिल जाएगा आपको। इस साइड में काम चल रहा है, इसी वजह से अंदर से ये बंद है, पर इधर से चालू है। इधर भी लिखा हुआ है जिद्दा याश्त क्लब नादी जिद्दा लल खयूत। और ये जो लगाया है ना इन्हें वाल पे ग्रास घास ना बड़ी खूबसूरत दिखती है। यहाँ पे देखने लायक थी वही मस्जिद रहमा, बाकी कोई चीज़ नहीं थी, ओपन था। मगर 5 साल के अंदर, 5-6 साल के, यहाँ जिद्दा कॉर्निश पे बहुत ज़बरदस्त काम हुआ। देख रहे हैं यहाँ पे जिद्दा याश्त लिखा हुआ लोगो है। और ये जो है ना, ये इधर फार्मूला 1 की ट्रैक है जो रेसिंग होती है कार की, इसीलिए ये वाल बना के रखा है उन्होंने और इस पे ग्रास लगा दिए। और इधर तो ये कार का वे है, रास्ता है, पर ये इस्तेमाल है ख़ास के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। इस पे गाड़ियाँ आती हैं, बहुत कम आती हैं। तो थोड़ा सा आगे है कुछ चीज़ें दिखाने लायक की, वहाँ पे चलता हूँ फिर मिलता हूँ आपको। अभी कुछ नहीं है, इधर खाली खाली है। देख रहे हैं माशाल्लाह वो मस्जिद रहमान नज़र आ रही है। पहले यहाँ पे थोड़ा सा रेस्टोरेंट होता था, वहाँ पे बस आती थी टूरिस्ट की जो हज उमरे के लिए आते थे, फिलीपीन, इंडोनेशिया और बांग्लादेश, यानी कई कंट्री के। तो बस यहाँ पे घुमाने के लिए जो टूरिस्ट स्पॉट था लाती थी, इधर लेफ्ट साइड में खड़ी करती थी, रोड हुआ करता था बीच में ऐसे ही। और ये मस्जिद लोग घूमने बहुत ज़्यादा आते थे। और यहीं इस एरिया में यहीं एक मस्जिद थी और बाकी कुछ नहीं था 5-6 साल पहले। और ये माशाल्लाह मैं पहुंच गया मस्जिद रहमा के पास। देख रहे हैं माशाल्लाह ये मस्जिद बहुत अच्छी है, खूबसूरत है। ये ज़्यादातर हिस्सा इसका पोल जो है ना, नीचे बुनियाद है ना, वो पानी के अंदर होती है, ये कुछ साइड होती है बाहर। और ये बाथरूम है, बाकी वो मीनार एक सिंगल है और उधर मस्जिद है। और वो सब ऐसे बाहर है, जब पब्लिक ज़्यादा होती होगी तो मसाला लगाते हैं, वैसे वो डिज़ाइन है खूबसूरती के लिए। और ये एक गेट है और एक गेट उधर है, मैं इधर से चलता हूँ उधर से निकलता हूँ। देखें ये बोर्ड लगा हुआ मस्जिद अल रहमा साले अब्दुल्ला कामिल। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा रास्ता है इधर जाने के लिए, जबकि इधर से भी जा सकते हैं, पर ये खूबसूरती के लिए फर्नीचर लकड़ी का है शीशम कलर में और काफ़ी मजबूत है। और इससे इधर निकलेंगे, अच्छा मंजर लगता है ना। बहुत देर के बाद मैं छांव में आया हूं और ठंडी ठंडी समंदर की तरफ से हवा आ रही, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। आज जुमा है, मालूम नहीं इसमें जुमे की नमाज़ होती है कि नहीं। अभी पूरी तरह सन्नाटा है यहाँ पे, बस दस बीस टूरिस्ट हैं जो वहीं बस यहाँ पे हैं, और नमाज़ पढ़ने वाला तो कोई नहीं है। और टाइम भी है अभी तकरीबन 1 घंटा बाकी है। और इस साइड से मंज़र माशाल्लाह कुछ इस तरह दिखता है, और ये समंदर की साइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और ये जो है ना, ये गेट है मस्जिद के अंदर जाने के लिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है। इधर कुछ टूरिस्ट हैं, उन्हें नमाज़ के बारे में लगता है ये बता रहे हैं कैसे नमाज़ पढ़ते हैं। इधर से निकलता हूँ मैं और सामने है समर वाइब्स, जो वैसे तो सबसे खूबसूरत जगह यही है, अल्लाह का घर है, पर शाम के वक्त जो खाने पीने का छोटे छोटे केबिन है ना, वो सामने है, वो बड़ी ज़बरदस्त, अभी खाली है, पर एक झलक आपको मैं दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो। और ये सामने समर वाइब है, यहाँ पे चलते हैं। ये है समर वाइब का गेट, इसके अंदर करते हैं एंट्री। और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मिल जाएगी लड़कों के खेलने के लिए, और छोटी छोटी केबिन मिल जाएगी लड़कों के खेलने के लिए। देख रहे हैं अभी सब उजड़ा हुआ दिख रहा है, मालूम नहीं शाम तक ये सही होगा कि आजकल ये बंद किए हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा देखने से। गर्मी काफ़ी लगने लगी है, पसीना आने लगा है मुझे। और फ़ैन वैन अभी बंद है क्योंकि कोई है नहीं, बहुत कम लोग हैं। एक चीज़ जैसा मैंने पहले कहा, इसे देख के लगता नहीं कि, लगता है ये सीज़न बाई सीज़न चालू होता है, कि आजकल पूरा खाली खाली है और सब निकाल दिए हैं। मुझे लगता है ये बंद किए हैं आजकल क्या। बहरहाल जो है उसे मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा ये कौन लोग हैं भाई। ये तो देख रहे हैं आप, इनके पास तो तलवार भी है, बंदूक भी है, और हैट तो इनकी देखिए जिस जो शिप पे रहते थे वैसे ही। और ये जो है ना इधर वो नाफोरा फाउंटेन, वो बड़ा अच्छा लगता है, चालू होता है। जब मैं आया था शाम को तो ये चालू था,
और ये इस बिल्डिंग की बात करते हैं अभी छाँव में पहुँच कर। मॉम लाइफ, इधर कुछ टी शर्ट बिक रही है लगता है। वो सामने जो बिल्डिंग उसकी मैं बात कर रहा हूँ, अभी वो शुरू हो रही, वो ऐसे रिंग टाइप ना कहते हैं, वो घूमेगी, घूमने वाली, ऐसे ऐसे घूमती रहेगी गोल 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 गोल, मालूम नहीं क्या है मगर ये तो फाइनल है कि वो उसकी, मैंने एक पोस्ट डाला था जो इसकी डिज़ाइन बनने वाली है फ्यूचर में, बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग होने वाली है, ये भी जिद्दा की निशानियों से एक होगी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। पर बहुत दिन से काम ठहरा था, अभी कुछ हाइट बढ़ी ऊपर गई है। इधर भी देखिए लोगो है समर वाइब्स का, और वो सामने बाज दिख रहा है, उसके करीब से दिखाएंगे आपको। और इधर फूड कोर्ट था, सब बेंच चेयर्स यहाँ पे लगी हुई थी पर पूरा खाली खाली। ये जो केबिन की बात कर रहा था ना, ये सब केबिन थी। शावरमा ला हम देख रहे हैं यहाँ पे, शावरमा था और ऐसे ऐसी चीज़ थी, नूडल्स बार, ये चीज़ें थी यहाँ पे, सब बेचते रहते थे मालूम नहीं शाम को। शक्ल से तो नहीं लगता मुझे कि शाम को भी ये ओपन होगी। बहरहाल अंदर जाना इसके आगे मना है। और वो है बाज की तस्वीर, ये देख रहे हैं क्या डिज़ाइन बनाया ना, मस्त लगती है। तो मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ देखने वाली चीज़ें हैं, सब एक जैसी है और पूरा खाली खाली है, लोग हैं नहीं तो कुछ मज़ा नहीं आ रही है। तो ये वीडियो आगे थोड़ा सा दिखा के आपको मैं करूँगा बंद, क्योंकि कुछ देखने के लिए ख़ास है नहीं। किड्स जोन में दिखाता हूँ, उसके बाद इसे एंड करता हूँ। ये सामने है, ये बोर्ड लगा हुआ है ना, और वो लास्ट में जाके ये साइड क्लोज़ हो जाती है, आगे नहीं जा सकते, रास्ता नहीं है, थोड़ा सा आगे और जाएंगे तब। ऐसे ही सब बस केबिन लगी हुई है माशाल्लाह, ये देख रहे हैं। इस वीडियो को अब यहीं क्लोज़ करते हैं, और दुआ में याद रखिएगा, पूरा पसीना पसीना हो गया मैं, धूप अच्छी निकल गई है, गर्मी होने लगी है, और कोशिश करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें। इंशाल्लाह मैं जिद्दा की और जगह इसी तरह से दिखाता रहूँगा, तो दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।